close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं लंच वगैरह मेरा सब हो गया है, मैं बर्तन साफ कर रही थी, तो वही लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बर्तन साफ करूँगी, फिर किचन साफ करूँगी। सब्जियाँ वगैरह मंगवाई थी मैंने आज, तो उनको भी वॉश करना है। सब्जी मैं मंगवाती हूँ एक हफ्ते में मंगवाती हूँ, तो वो एक हफ्ते तक चल जाती है सब्जियाँ वगैरह सब। तो आज बनाए थे मैंने दाल बाटी, तो दाल बाटी बना कर मैं खा चुकी हूँ। और खाने के बाद में मैंने ये बर्तन साफ़ किए हैं, वो किचन साफ किया, तो यही काम बाकी रह गया था, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत काम रहता है, सुबह का काम ख़त्म नहीं होता, उससे पहले दोपहर का काम स्टार्ट हो जाता है। सुबह का काम मेरा 11 बजे तक ख़त्म होता है। फिर ये YT का काम रहता है, किसी का वीडियो देखना है, अपना वीडियो बनाना है, ऐसे वैसे मतलब काम चलता ही रहता है। तो फिर मैंने मतलब आज दाल बाटी बनाई थी, क्योंकि देखो ये मनी प्लांट है, तो मैंने इसको पानी में डाल के रखा है, तो ये पानी में इसका चेंज कर देती हूँ, रोज़ चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ ऐसे ही कि अच्छा लगे किचन में। और यहाँ पे मैंने आज सुबह घी बनाया था, तो घी में गैस पे डूल पूरा गिर गया था, तो उसे ज़्यादा मतलब पूरा घी हो गया था गैस पे, तो वही साफ़ कर रही थी मैं। और फिर तो वैसे भी लंच के बाद हम साफ़ करते ही हैं गैस को, तो ये लंच के बाद ही मैं साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, तो बस बहुत काम रहता है सच में, घर में इतने काम रहते हैं, चाहे दिन भर काम करते जाओ। और मेरे किचन में तो वैसे भी ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि मेरे किचन में क्या है, ये वाइट कलर की टाइल है, तो मुझे रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। नहीं साफ़ करूँ तो ये बस मैली गंदी हो रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। और ये हमारी खिड़की के पीछे किसी का घर है, बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं तो क्या होते हैं लोग ऐसे पानी नहीं जाने देते अपने घर में। लेकिन मैं जब किचन साफ़ करती हूँ, खिड़की साफ़ करती हूँ, तो उनके घर में पानी चला जाता है, तो वो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। ऐसे होता है ना, कई लोग अच्छे होते हैं, तो वो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो बस किचन वगैरह सब की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया था, बहुत काम रहता था सच में। इतना काम हम लेडीजों क्यों होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिनमें टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। Thank you.
लिए, इस पट्टी साफ कर लिए। और आप बताइए, आप इसको जानते हो क्या? हमारे राजस्थान में तो बोलते हैं ककेड़िया, और यहाँ उड़ीसा में बोलते हैं कांकण। तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसकी चटनी बनाओ तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोग इसे जानते हो कि नहीं जानते हो। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी मंगाई थी, वही सब्ज़ी सब वॉश करके मैं रख दूँगी, सूख जाने के बाद में फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने भिंडी, बैंगन और जो मोट की फली आती है वो, ये सब मैं धो के रख दूँगी। टमाटर मंगाए थे, कुछ फ्रूट्स मंगाए थे, तो वही वॉश करके रख दूँगी मैं। हफ्ते में मंगाती हूँ मैं सब्ज़ी, रोज़ नहीं मंगाती हूँ। ये खीरे हैं, खीरे को भी मैं धोकर रख दूँगी, है ना। अभी धोकर रख दिया तो फिर हम बनाए तक धोना हमें ज़रूरी नहीं रहता है। तो मैं धोने के बाद ये इसको रख दूँगी एक दो घंटे इस बाहर किसी बर्तन पे, तो पानी इसका सोख जाएगा। सोख जाने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, फिर तो हमेशा यूज करते रहेंगे। तो इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं धो रही हूँ ककेड़िया, मारवाड़ी भाषा में आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल और अनार और अमरूद मंगाए थे, कच्चे अमरूद, क्योंकि कच्चे अमरूद मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो कच्चे अमरूद ज़्यादा खाती है। और करेले मंगाए थे मैंने, और हरी मिर्च मंगाई थी। तो इन सबको मैं धोकर रख दूँगी। हर सब्ज़ी, किसी कोई भी सब्ज़ी लाओ आप, बहुत महंगी है। क्या रेट है मुझे नहीं पता, हम मैं नहीं जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, नहीं मैं पूछती हूँ कि क्या रेट है। लेकिन कभी कभी पूछती हूँ ना, तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट है सब्ज़ियों की, बस आप लोग तो ऑर्डर दे देते हो, सब्ज़ी आ जाती है, आपको क्या पता कितने पैसे लगते हैं, ये बोलते हैं हमारे घर वाले। लेकिन क्या होता है, घर में चाहिए वो तो मंगानी पड़ेगी ना। तो मैं हफ्ते से मंगाती हूँ, रोज़ नहीं मंगाती हूँ। कभी कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो बीच में मंगा भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं मंगवाती हूँ, लेकिन हफ्ते से ही मंगाती हूँ मैं। जैसे संडे को मंगाई तो संडे को ही मंगाऊँ फिर, या फिर कभी फ्राइडे को मंगाई तो फ्राइडे को ऐसे ही मंगाती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सब को के रख दूँगी, आप इंजॉय कीजिए। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. आपसे मैं आपसे अब मिल रही हूँ। तो मैंने लंच वगैरह सब काम फिनिश कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, और सब्ज़ियाँ मंगाई थी मैं। एक हफ्ते से सब्ज़ी मंगाती हूँ, तो सब्ज़ियों को वॉश किया, क्योंकि सब्ज़ियों को वॉश करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो वॉश की। और आज मैंने लंच में बनाया था दाल और बाटी, तो दाल और बाटी बनाई थी मैंने लंच में। रोटी भी बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बनाई थी रोटी। और मैं, मेरी बेटी खा ली है बाटी और दाल, मेरा बेटा भी नहीं खाता है दाल बाटी, वो भी रोटी खाया था, लेकिन टेस्टी लगती है हम दोनों को, तो हम दोनों कभी भी बना कर खा लेते हैं। तो वो लोग दाल रोटी खा लिए थे और हम दाल बाटी खा लिए थे। तो बस लंच का सब काम फिनिश हो गया, अभी 3:30 या 4:30 बज रहे हैं, अभी 4 बज रहे हैं। तो अभी तो धूप थी, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो मेरे पसीना पसीना हो रहा है मेरे, मुझे बहुत पसीना आता है, पता नहीं। तो आपको व्लॉग, इस व्लॉग में कुछ नहीं है, बस मैंने ऐसे ही वीडियो बना लिया, कुछ भी इसमें मतलब कोई शेयर नहीं की हूँ मैं रेसिपी वगैरह,
बस ऐसे ही बनाया है मैंने। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए ना करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बस और क्या बोलूँ, व्लॉग को पसंद करिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो बताओ मुझे कि हाँ पसंद आता है कि नहीं आता है, तो मैं देखती हूँ बाद में और थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और अच्छा नहीं लगता तो भी कमेंट करें और अच्छा लगे तो भी कमेंट करें। तो अब मिलती हूँ मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।